अपनी हेयर कटिंग करवा रही हैं ईद के लिए। ये है इनकी लेंथ। और कौन सी हेयर कटिंग है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हेयर कटिंग करवा रही हैं। सो देखते हैं कि कैसी होती है। ये तीन शर्तें चढ़ा हुआ है मुर्गा, ये तीन शर्तें लड़ाया 20-20 हज़ार पे मैंने। ये हाँ, ये बच्चे अपनी मुर्गियों के मैंने उधर गांव में करवाए थे, तो अभी इधर लेकर आया हूँ दोनों को। यहाँ पे पाल रहे हो? इधर पाल रहा हूँ इनको, खुराक बोराक अच्छी दे रहा हूँ इनको, तो इधर खुद ही देखभाल कर रहा हूँ इनकी। इनका दाना है ये डायरेक्ट 50 हज़ार पे लड़ाऊंगा। बहुत अच्छी नस्ल है, पहले भी लड़ाए मैंने। ये कौन सी नस्ल है? ये भाई थाईलैंडी है, थाईलैंडी। ये जोड़ा मैंने मंगवाया 18 हज़ार का, रावलपिंडी से मंगवाया मैंने। ये कब मंगाया? ये सौदा तो तकरीबन हफ्ता एक हो गया था मेरा लड़के के साथ, तो उसने आज भिजवाए, आज मैं लेकर आया हूँ। ये अभी बस सुबह तक कोई आधा घंटा हुआ ये लेकर आया हूँ जोड़ा। इनकी बहुत बड़ी डिमांड होती है इन दोनों की। ये टोकरी है, इस टोकरी में आए हैं दोनों। ये अभी सुबह सुबह मैंने आके उतारे हैं गाड़ी पे, कराची की गाड़ी जा रही थी उस पर उसने रखवाए थे। ये जोड़ा 18 हज़ार का मैंने मंगवाया, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये नायाब है, ये मिलते ही नहीं है बड़ी मुश्किल से। ये तो तकरीबन 15-16 हज़ार का एक मिलता है, बस मैंने कर करा के 18 हज़ार का जोड़ा लिया है, बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। तो अभी इनसे नस्ल करवाएंगे इंशाल्लाह, कोई क्रॉस भी कराएंगे अपने देसी मुर्गियों के साथ, तो ये और मज़ीद अच्छे बने। अलग अलग है भाई, उससे 450 के हैं, स्लीपर 800 के हैं, एरोसॉफ्ट के भी 800 के हैं। एरोसॉफ्ट कौन सी है? ये ऊपर लिखा है। और ये मग बड़े वाले? ये 150 का है भाई। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 20वां रोज़ा और आप ही हो रही हैं इफ्तारी की तैयारियां, और सबका रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है। और अपना मेरे पेपर्स ख़त्म हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मेरे पेपर यही कोई 2 या 3 दिन हो गए हैं, मेरे पेपर्स ख़त्म 2 दिन हो गए हैं यार, ये बहुत बोलता है।
या दही खाना तो इसको बोलो नहीं इसको ज़्यादा तुम सो मैंने अपने बालों को करवा दिया सत्यानाश एज यू कैन सी। मैं भी मैं खोल के नहीं दिखा रही यार, अच्छे नहीं लग रहे मुझे। मैंने मेरे बाल वैसे ही छोटे थे और उस पर मैंने जो है वो कटिंग करवा दी और इतने खराब मतलब लाइक अच्छे हो रहे लग रहे हैं लेकिन बहुत छोटे हो गए यार, ये ऐसा लग रहा है वुल्फ कट और मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अब ये मैं इसलिए बना के बैठी हूँ, बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे, मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ हर चीज़ करने के बाद। बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पे कट रही है गोभी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, और 20वां रोज़ा सबको मुबारक हो। और कल जो है 21वां रोज़ा है हजरत यौम हजरत अली की शहादत का, तो कल हमारे स्कूल की छुट्टी है। इस वक्त बज रहे हैं 5:30 और हम जो है यहाँ पर समोसों की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बन रहे हैं चिकन मैक्रोनी समोसा और ये हम घर में ही बनाते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि जो पट्टियाँ भी होती हैं वो हम बाज़ार से नहीं मंगवाते, हम घर में ही बनाते हैं। तो आपको दिखाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। ये अभी बंद गोभी कट रही है यहाँ पे। चाय क्यों बन रही है? कैसे चलती है बाइक? बाइक कैसे चलती है? चला के दिखाएगा। किक मारो, किक मारो, किक करते ना, वो किक मारो, किक 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 लगाते हो ना बाइक स्टार्ट करते हो। अल्लाह, पहले आप वो किक लगाते हो ना बाबा की बाइक पे, बाबा की बाइक पे किक लगाते हो ना, किक चिकन। सो यहाँ पे है चिकन जिसके बनेंगे समोसे और यहाँ पे है नमक पारे जो कि अब ये बनते ही रहते हैं एक दो बार तारीफ होने के बाद। और इस बार के सही शेप के बनने लग रहे हैं, मतलब लाइक पतले पतले और छोटे, बहुत यमी थे ये। और यहाँ पे ये क्या है, वो बोल ये रियल खरबूजा है? रियल ही होता है सारा, मतलब ये खरबूजा आया है गांव से, प्योर देसी नहीं वाला, प्योर देसी है। और ये मारवी चाची ने भेजा है हमारी अम्मी के लिए, तो हमारी अम्मी ने उन्हें बहुत सारी दुआएं दी हैं, प्यार दिया है, और ऐसे खरबूजे आप भेजती रहें। और वो हमारी रेगुलर और अच्छा हाँ, अब वो हमारी रेगुलर व्यूअर भी हैं, उनके कमेंट्स अक्सर आते ही रहते हैं हर वीडियो पे। और यस, बाकी ये था का एंगल है, कोई फालतू चीज़ नहीं। सही है, पहले मिक्स करके देखते हैं कोई ये देख। और ये जो पट्टियां आप देख रहे हैं ये हमने घर में ही बनाई, गोल्डन सावा में आई। ये देख रहे हैं नीचे से हाथ नजर आ रहा है, ये मसाला तैयार हो चुका है इसका। इधर देखना, इधर लगाना, मैदा यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, ये यहाँ से समोसे भी ना। चलो थोड़ा पानी डाल दो। ये देखें पूरे रमजान में सिर्फ आज काम हो रहा है, वो भी सिर्फ बेसन घोला गया है।
आज मुन्नी खाला फर्स्ट टाइम कुछ बना रही हूँ और उस पर इतना इतरा इतरा के बता रही हैं कि मैंने जो है कुछ कर लिया देख लो, और ये बना के आई है बेचारी का छुप के भाग रही है। आज चांद कहाँ से निकला है, क्या होता है सूरज निकलता है चांद, सूरज कहाँ से निकला है जो मुन्नी खाला ने कुछ बना दिया। ये तेल हो चुका है गरम, जाओ तुम डालो फ्राई करो इन्हें। मैं भाई सही सबको सब ये कुछ। मेरी वेजिटेबल्स मैंने सारी कुछ काट ली हैं, अब इनको डालना है बेसन में और इनके बनेंगे पकौड़े, और उसमें मैंने चिकन भी डाली चुपकी। हाँ हाँ मैं मना कर दिया गया था चिकन डालने के लिए, और ये मैंने मेरे हाथ देखे हैं आप लोग कैसे हो गए, और हमने इसमें छुप के चिकन डाल दिए, किसी को पता नहीं चलेगा, वो तो अब खा के ही पता चलेगा। आलू के भी बनाने, आलू भी छिले डालते के साथ ही जला दिए। हाँ बस ये आलू के पकौड़ा, ये इतना बड़ा काम। ओके तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, हम बना रहे हैं पकौड़े, बन के पकौड़े भी पहले आगे रोल के इनको बनाए, रोल दिखाना जा रही सकते हैं अभी रोल में काम करती हूँ घर में, ये मुझे जोश नहीं दोस्त से चढ़ा, अभी रोल फ्राई हो रहे हैं उसके बाद बनाऊंगी मैं आलू के पकोड़े, और आलू के पकोड़े बनाने के बाद फिर बनाऊंगी मैं मिक्स वेजिटेबल पकोड़े। आज मेरे से कुछ ज़्यादा ही काम लिया जा रहा है फालतू में। अभी लाइन लगी है, ये देखें लाइन लगी, कितना टाइम हो रहा है खाना चेक मारो, ये बने तो फिर हमारा नंबर आए, जल्दी करो भाई।